नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमें किसी इमेज के साइज को कंप्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इमेजेस हमारी जीबी एमबी में बन जाती है और हमको उसको केबी में करना हो, यानी कि इमेजेस की जो साइज है उसको अपने हिसाब से सेट करना हो और उसका यूज करना हो, तो कैसे हम ऑनलाइन विदाउट फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के इमेज को कंप्रेस कर सकते हो और अपने हिसाब से किसी इमेज का जो केबी है, जीबी है या एमबी है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक सामने की इमेजेस है एंड यहाँ पर मैं इसका साइज आपको बता देता हूँ। राइट बटन क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इसका साइज आपको मिल जाएगा। इसका साइज है 2911x1350 पिक्सल। दोस्तों हमें इसका 500 इसका जो साइज है, साइज में आपको बता देता हूँ, मैं इसका पिक्सल बता देता हूँ सॉरी। एंड इसका साइज है दोस्तों 120 MB 128 MB, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको केबी में करेंगे, ठीक है, जिससे हम यूज कर रहे हैं जिस जगह उस जगह कम इमेज साइज इमेज की डिमांड है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको सिंपल से एक वेबसाइट का नाम है, आपको सिंपल से खोलना है इस वेबसाइट का रिसाइज पिक्सल्स। एंड आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी, आपको पहले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है एंड अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर देना। तो यहाँ पर आपको इमेजेस को सिलेक्ट करना, देखिए ये इमेजेस है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए रिसाइज है तो आप पिक्सल्स विद कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, रोटेट एंड मिरर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमें कंप्रेस की बात आ रही है, यानी कि इमेजेस को साइज में या एमबी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बता दिया था कितनी साइज की है, एमबी की 1 पॉइंट से ज्यादा एमबी की। मुझे केवल इसको 500 केबी में करना है, तो मैं सिंपल से यहाँ 500, ठीक है, आपको 150 करना है, 200 करना है, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है, ठीक है, कितना आप रिक्वायरमेंट है आपको इमेज की कंप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने 500 केबी को इसमें डाल दिया है, ठीक है 500 केबी। एंड यहाँ पर एमबी और केबी आप सिलेक्ट कर लेना, जैसे यदि एमबी करेंगे तो एमबी बनेगी, केबी करेंगे तो केबी बनेगी। एंड यहाँ पर मैं कंप्रेस करता हूँ दोस्तों, एंड कंप्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर गो टू डाउनलोड है, इस पर क्लिक करता हूँ। एंड गो टू डाउनलोड करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर गो टू डाउनलोड इमेज, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे लेफ्ट साइड में आपको नीचे कॉर्नर में आपकी इमेजेस डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ निकलते, हम जाते हैं पहले इसका साइज चेक करेंगे। तो इसके लिए हम कंप्यूटर के डाउनलोड बार में जाएंगे एंड यहाँ पर स्टाइल बॉक्स को रिमूव करेंगे एंड डाउनलोड, देखिए इमेजेस को पहले चेक कर लो ओपन हो रही है, तो फाइनली ओपन हो रही है। एंड यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4664668। दोस्तों क्या होता है, इमेज के जो कॉर्नर होते हैं या कभी कभी पूरी तरह से सही नहीं आ पाते, अभी इमेजेस पहले से लार्ज काफी थी तो एक थोड़ा कम किया, तो 500 के आसपास ही आपकी ही इमेजेस को दे दिया, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एमबी या केएमबी आपको कितना रखना है। तो थोड़ा बहुत 2-4 MB का फर्क आएगा, जहाँ पर ज्यादा एमबी का है लेकिन इमेजेस का साइज काफी ज्यादा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।